ये कहते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के संसदीय चुनाव में 370 सीटें लेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और देश का जो आने वाला समय है वो इसके साथ बदलता हुआ दिखाई देता है। मुझे एक और बात आज के इस वक्तव्य के माध्यम से ध्यान में लानी है कि हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा कांगड़ा में मटौर से लेकर के और शिमला फोर लेन नेशनल हाईवे का काम बहुत तेज गति के साथ चला हुआ है। हमने देखा पठानकोट से मंडी फोर लेन नेशनल हाईवे का काम बहुत तेज गति के साथ चला हुआ है। कालका शिमला, शिमला से ढली फोर लेन नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, वो हमारे सामने है। 2024-25 में 1700 करोड़ रुपया भानुपली बिलासपुर बैरी बरमाना रेल लाइन के लिए स्वीकृत किया है। नंगल तलवाला रेल लाइन के लिए पिछली बार 450 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसमें भी प्रोग्रेस हुई और लगभग 450 करोड़ रुपया उसमें व्यय के कगार पर है। इस बार 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए किया गया है। और इससे और आगे हम बढ़ते हैं तो चंडीगढ़ बद्दी जो रेल लाइन है उसके लिए गत वर्ष 450 करोड़ का प्रावधान किया था, 165 करोड़ के लगभग उसमें व्यय हुआ है और पुनः 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।